सलमीनर एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। वायु प्रदूषण से स्तन कैंसर का खतरा। सोमवार को होगी आईजीएमसी गवर्निंग काउंसिल की बैठक। 60 करोड़ का बजट पेश होने का अनुमान। सत्ताधारी परिवारों ने जेएनके बैंक का किया गलत इस्तेमाल। जितेंद्र सिंह। व्यस्त सड़कों के समीप काम करने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है। एक शोध में यह बात प्रकाश में आई है। शोधकर्ताओं ने इस बात से सचेत किया है कि यातायात के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से महिलाओं को स्तन कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है। करीब 1.5 साल बाद सोमवार को आईजीएमसी की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। इस बार करीब 60 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया जाएगा। केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने जेएनके बैंक को सूचना के अधिकार अधिनियम मुख्य सतर्कता आयुक्त और राज्य विधानसभा के दायरे में लाकर पीएसयू के वर्ग में लाने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी परिवारों व उनके गुर्गों द्वारा जेएनके बैंक का दुरुपयोग किया जाता रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।